Hey guys, what is up everybody? Welcome back to another video on our channel. तो यार आज हम बना रहे हैं ड्रोन. हमारे पास है दो डब्बे, ये एक, ये दूसरा. और इसमें चेसी और ड्रोन का जो भी सामान लगता है वो सब है. मोटर्स हो गए, ये सब हो गया. और क्या क्या लगता है ये हम आगे देखेंगे. और ये बना के हम ऐसे ड्रोन बना के उड़ा के देखेंगे कि उड़ता है कि नहीं, या फिर हमारी कोशिश है और पैसा ऐसे ही चले गया. So, let's go. Guys, कौवा आ गया guys. Yo, bro. चला गया फर्स्ट ऑडियंस. तो हमें क्या क्या लगने वाला है. ये प्रोपेलर के सेट जो है 1, 2, 3 मतलब 6 प्रोपेलर्स, क्योंकि हेक्सागोप्टर बना रहे हैं. और ये है 6 मोटर्स क्योंकि 6 प्रोपेलर्स है. ये है 6 ESC क्योंकि 6 मोटर्स है. और ये है ये जो भी इसके ऊपर लगता है जिसमें ये प्रोपेलर्स लगते हैं, ठीक है. और ये है चार्जिंग के लिए जो कि ये बैटरी चार्ज करेगी, इसके अंदर बैटरी है. और ये है इसका अडैप्टर. और ये है ESC चेक करने के लिए ऐसे ऐसे घुमा के. और ये है हमारा मल्टीमीटर जो कि चेक करता है मल्टीपल चीज है, ठीक है. ये रह गया, ये मेन चीज रह गई. ये है फ्लाइट कंट्रोलर और ये है उसकी कुछ सामग्री. ये सेफ्टी स्विचेस बोलते हैं और ये सब कंट्रोल करता है. लास्ट में ये हमारा कंट्रोलर जिससे हम जो भी बनाएंगे वो कंट्रोल करेंगे. और एक मेन चीज रह गई भाई जिससे सब हम सोल्डर करेंगे. और ये इससे हम पुर्जे टाइट कर सकते हैं. अफसोस दिमाग टाइट नहीं होता. ये कुछ ऐसी चीज है जो हमें लगेंगी. तो यार ये है हमारा चेसी का डब्बा, ये है हमारी चेसी. और ये है इसके स्क्रूज जो कि काफी ज्यादा वजन है. और ये है ये अजीब वाले स्क्रू है जो कि हम हमेशा देखते नहीं है. क्यों देते मुझे आज तक समझ में नहीं आता भाई. कार वाले दो ना मस्त हमारे पास बहुत स्क्रू ड्राइवर है. और भाई ने तब तक सब ऐसे निकाल लिया. और ये देखो भाई ये ऐसे एकदम ऐसे मस्त है ना. इसकी क्वालिटी एकदम ऐसे मस्त लग रही है. जब ऐसे उड़ेगा तो वैसे हिलेगा नहीं ज्यादा. और ये हमारे मेन प्लेट पे ये ऐसे लगेंगे. भाई मला सखावट है प्रोपेलर ठोकना रहे ना ठोकना. चल बगुआ अपन लेट्स सी. वो यहाँ पे ऐसे मल्टीपल स्क्रूज है. ये ब्लैक वाले हैं, ये ऐसे अलग है, ये लेग्स के, ये कुछ मोटर्स के, इनमें से कुछ चेसी के. जो ज्यादा है वो चेसी के और जो थोड़े से कम है वो मोटर के, बहुत कम है वो लेग्स के. भाई मुझे लगा था हमारे पास स्क्रू ड्राइवर नहीं है. भाई मिल गया भाई एक नंबर. इसको हम लगाएंगे इस पे और ये लगेगा इसके नीचे ऐसे. अभी इसका और अलग है भाई. इतने पाने नहीं है हमारे पास, तो अर्धे पाने तो दिशा. हाँ ना गायब ले लेते चलते. दूसरे स्क्रू ड्राइवर लोन बक्सा था लागते. ये हो गई हमारी नीचे की बॉडी. और अभी देखते हैं आगे क्या. और ये बाद में ऐसे ऊपर से लग जाएगी और ये बन जाएगा हमारा पूरा ड्रोन. एरो देखना नेसेसरी है. ये आ गया, मतलब ये कुछ ऐसे चलेगा, कुछ ऐसे चलेगा और ये ऐसे रहेगा. एंड डैम दिस विल सपोर्ट इट राइट. तो आता जरा अपन ये पाई लाउन घो नाइट हम काय तरी लागते है. तो ये दो ऐसे लेग्स बन के रेडी है जो कि इधर हम लगाएंगे. अभी ये जो है ये जाएगा इसके अंदर, तो फिर ये हम इसको ऐसे लगा देंगे. ये कुछ ऐसे जाएगा जो कि ये छेद है ना, ये इसके अंदर जाएगा. पहले ऐसे यहाँ से देखे कि हाँ ये अभी अंदर चला गया. इससे हम इस साइड से ये जो स्क्रू है ये डाल देंगे, इस साइड से ये हो जाएगा. और ये जो हमारे लेग्स है ये लगेंगे यहाँ पे लगेगा. आउटवर्ड्स आउटवर्ड्स कैसे है भाई, तो फिर खालसा ना. तो यार ये कुछ हमारा ऐसे लेग स्टैंड कर रहा है और ऐसे लेग्स पे अपने खड़ा हो गया हमारा ड्रोन. और हम यहाँ देख सकते हैं कि ड्रोन को मस्त ऐसे लेग्स वगैरह आ गए. और भी ऊपर की एक प्लेट लगानी है इधर, बहुत कुछ लगा रहा है देखते हैं. और ये ऐसे हमारे दो दो स्क्रू बैठ गए. और भी लगाएंगे लगाएंगे भाई और लगाएंगे. Oh,
ही फ्रेमचं अलाइनमेंट थोडं हललेलं आहे, त्याच्यामुळे हे बसत नाही. तो यार यहाँ पे हमने हर मोटर को स्क्रू कर दिया और ये जो वायर है ये हमने नीचे डाल दिए क्योंकि ये सी हम नीचे लगाए. हर आप देख सकते हो कि ऐसे ऐसे ही लगाया, ये ऐसे ही लगाया हमने. तो भाई जब तक ये सोल्डरिंग आयरन गर्म हो रही है तब तक ये थोड़ा ऐसे स्ट्रिप कर लेते हैं ताकि बाद में सोल्डरिंग करने में जरा आसानी हो. किसी भी हो रहा है भाई. सर अभी हम ये गरम कर रहे थे, सुर आवाज आया भाई, ये इधर से शॉर्ट हो गया. दिखा दिखा, ये सीधा इधर से ही शॉर्ट हो गया. इसको हम करेंगे चल, तो हम इधर से काट देंगे. ये काट दिया, इसको थोड़ा ऐसे जोड़ के बाद में करेंगे. यस दादो तो भाई आज तक ठीक कर रहे हैं. वैसे हमारे पास दूसरी भी है, क्या ही करे भाई, ठीक करते थोड़ा कंजूस जो है. और भाई ये हमने फुल ऐसे मस्ती कर दिया, अभी देखते चालू है. भाई मैंने तो अच्छा आता था ट्रिक पर उड़ना रहा. मूवमेंट ऑफ टू इलेक्ट्रिशियन. नो 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 शॉक. खोला जा रहा है फ्लक्स, जो खुल नहीं रहा है ना मुझसे ना इससे. साइड भाई सख्त है लोंडा. फ्लक्स ये नहीं. जास्ते पड़े गए. इसमें होती है तीन केबल्स, ये तो इसको आगे हमने बस सिग्नल और ग्राउंड केबल लिए. अब ये मेन केबल नहीं लिए क्योंकि हमें बाद में इसमें पावर मॉड्यूल लगाना है तो ज़रूरत ही नहीं है भाई. तो इसको हम इधर लगाएंगे, ये जो 1 2 3 है इधर, इधर जो 1 2 3 दिख रहा है यहाँ पे हम ये लगाएंगे ऐसे 1 2 3 4 करके और फिर देखेंगे आगे क्या होता है. हाँ पहला होता है. हाँ दूसरा होता. हाँ तीसरा तो है. हाँ चौथा खालचा दे जा. हाँ क्या तो ये है हमारा बजर. इधर ये जो बजर की केबल है इधर ये बजर जाएगा, ये जाएगा ऐसे. इसको हमने फिक्स कर दिया तो इसको जो भी कुछ भी होगा बोलना ये बजर से बोल लेगा. तो ये है इसका सेफ्टी स्विच और ये सेफ्टी स्विच का कनेक्टर ये जाएगा इधर और ये कैसे जाएगा, ये जाएगा ऐसे. चला गया, इसको ऐसे अच्छे से हम सिक्योर कर लेंगे और ये चला गया. फिर हम इसको इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ पे. तो ये है हमारा RC रिसीवर जो कि यहाँ पे आपको दिखेगा सिग्नल प्लस और माइनस. तो ये वाइट जो है ये हमें सिग्नल को लगाइए और इसमें जब हम लगाएंगे पहले पोर्ट में तो ये वाइट जाएगी नीचे, ठीक है. तो ये नीचे जाएगी और फिर हम इसे पूरा ऐसे लगा देंगे और ये ऐसे हम कैलिब्रेट कर रहे हैं. और ये कैलिब्रेट हो गया भाई, नीचे रखो भाई इसे. और ये कैलिब्रेट हो गया और इसको हम आगे करते हैं. अभी ये हो रहा है कैलिब्रेशन और ये जो भी योक्स है इन्हें हमें एक्सट्रीम्स तक घुमाना है पूरा. हाँ वाला बराबर है तो वाला चेंज करें.